ऑक्साइम्स या ऑक्सीम्स। ऑक्सीम्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा एक कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली होती है, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीम ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते बेटा? ऑक्सीम ग्रुप। अब ऑक्सीम ग्रुप शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बोलो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बोलिए, कर सकता है? कैसे कर सकता है? अबाउट डबल बॉन्ड, ओनली दोज ऑक्सीम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप। केवल वो ही ऑक्सीम्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनकी दोनों ही वैलेंसी, भाई डबल बॉन्ड से तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा भी तो दो वैलेंसीज है ना, उन दोनों ही वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। सेम ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है क्या? दो बातें, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बात यह हो रही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स में आप देखेंगे कि ऑक्सीम ग्रुप में ये कार्बन इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू द डबल बॉन्ड होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल तब शो करेगा, देखो नाइट्रोजन की तो एक ही वैलेंसी खाली है बट कार्बन की तो दो वैलेंसी खाली है, और दोनों ही वैलेंसी से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। सेम ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये दो कंडीशन, यस, ये दो कंडीशन यहाँ पर है। ओनली दोज ऑक्सीम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप। देखो ऑक्सीम कैसे बनता है, सबसे पहले तो ये समझो कि डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन होता है कार्बन से जुड़ा हुआ, वो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन शो करता है और यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होता है, और ये ग्रुप इस तरीके से, देखो ऑक्सीम का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। बोलिए, ऑक्सीम का फॉर्मेशन समझ में आया? वाटर लिबरेट हो जाता है। हाँ जी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, एक तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि एसिटाइल्ड ऑक्सीम, एसिटाइल्डिहाइड, देखो अगर यहाँ मैं ऑक्सीजन जोड़ लूं, देखो आप ये एसिटाल्डिहाइड दिख रहा है ना, परंतु इस एसिटाल्डिहाइड का भी क्या बन गया है, ऑक्सीम बन चुका है, तो ये क्या बन गया, क्या कहलाएगा, एसिटाइल्ड ऑक्सीम। एसिटाल्डिहाइड भी नहीं रहा, यस, एसिटाइल्ड ऑक्सीम। अब एसिटाइल्ड ऑक्सीम में देखो, ये जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH यदि सेम साइड है तो ये सिन, क्या कहलाएगी, सिन पोजीशन कहलाएगी या सिन कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और अगर हाइड्रोजन और OH जो है अगर अपोजिट, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है या अपोजिट साइड है तो ये एंटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे ट्रांस होती है ना वैसे, वैसे सिन और एंटी, इसमें क्या बनते हैं, सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। उधर पहले, इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सिस और ट्रांस पढ़ा था। सब एक जैसे ही है, सब भाई भाई हैं, बस इनके अलग अलग नाम है। हाँ, तो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑन सेम साइड सिन बनती है, व्हेन हाइड्रोजन एंड ओएच आर ऑन ऑपोजिट साइड एंटी फॉर्म इज फॉर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें बता दो, मैं इसको छुपा देती हूँ पहले। हाँ, देखना नहीं, ईमानदार बच्चों मेरे, बता दो भाई कौन सिन और कौन एंटी। पहली वाली सिन, दूसरी वाली एंटी, क्योंकि पहली वाली में दोनों सेम है और उसमें अपोजिट है। यस, देखो भाई दोनों में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, इस पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन के OH से और कार्बन के H से लेना देना है। ये अगर सेम साइड है तो सिन, और अब बिल्कुल दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो लो प्रायोरिटी ग्रुप और इसका OH, या लो प्रायोरिटी ग्रुप, लो प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो सिन, ऑपोजिट साइड है तो एंटी। ओके, ये क्या है, बेंजाइल ऑक्सीम, क्योंकि देखो ये बेंजाल्डिहाइड होता ना, यस मैम, है ना, वो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ होता तो बेंजाल्डिहाइड होता, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीम बन गया, तो बेंजाइल ऑक्सीम, वेरी ऑक्सीम, 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 ऑक्सीम,
ऑक्सीमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स क्या होते यस हैं? एन टू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एंड बोथ द नाइट्रोजन्स आर हैविंग अ लोन पेयर ऑन देम। यस मैम। इस पे भी एक लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर। अब देखना इसका सीन और एंटी कैसे बनता है यार। इसके साथ में एक वैलेंसी तो खाली है ना इसकी। अगर दोनों सेम, दोनों लोन पेयर सेम साइड हुए तो सीन, दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड हुए तो एंटी। आया? हाँ बोलो। हॉलो लॉक मैं नहीं बोल रही तो फिर कौन बोल? तुम्हें कौन बोला? बोला तो है ही नहीं अपने ग्रुप में। बोली बोली मैं सब। कौन बोली? देखो ऐसा है, मेरे कभी सींग देखे क्या तुमने उगे हुए? नहीं नहीं देखे ना, कहीं अंदर बालों में छुपा रखे हो कहीं ना कहीं, पीछे पीछे से छुपे हुए कुछ नहीं है ना? तो जो भी बात हो वो पूछ सकते हो, ऐसा संकोच क्यों करना है? पहली बात तो संकोच वैसे भी नहीं होना चाहिए। मैं कौन सा तुम्हारे सामने हूँ जो तुम्हारे लपड़ पड़ जाएगी? और जो बच्चे मेरे सामने होते उनके भी आज तक कभी नहीं पड़ी। मैम कभी किसी को नहीं मारा आपने? जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे मैं खुद बच्चों से ज्यादा मस्ती कर लेती हूँ, तो मैं क्या उनको थप्पड़ मारूंगी? मैम आपको बोलते हो कि मेरा हाथ चलता है घर पे। वो तो घर पे चलता है ना, घर की बात अलग होती है। वो छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता ना यार, वो फ्रस्ट्रेशन बेचारे कैसे निकालू मतलब। तो अच्छा उस पे भी खुला हाथ? अच्छा मैम आप बड़े बच्चों को नहीं मारते? अरे मेरे से खुला हाथ छूटता ही नहीं, मेरे को मारना आता ही नहीं बच्चों को। वो शक्ल देख के मतलब, अब कल की ही बात देखो, कल डंडी लेके बैठे मैंने कहा देख पढ़ लेने, देख मैं तेरे पिटाई लगा दूंगी है ना, घुमा के एक डंडी उसके पैरों पे मारी। वो पैरों पे कम, सोफे पे ज्यादा मारी ताकि वो डर भी जाए मेरा भी काम हो जाए। वो भी तो लगी नहीं। अच्छा सामने वाला भी बोलता नहीं है, मेरे को मालूम है कि उसके नहीं लगी है, पर सामने वाला ये बोलता नहीं कि मम्मी मेरे नहीं लगी। क्या आपकी बार लगता है? और वो ऐसा ऐसे मसल लग जाता है जोर शोर से जैसे उसके लगी हो होते हैं। मैंने कहा बेटा वो बोले और मैं वाकई में दे लूं तो दिक्कत हो जाएगी ना उसे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो बता दो भाई। अच्छा कौन सिन, कौन एंटी, कौन ई, कौन रेड, वो भी बता देना है ना। एक दो तीन चार है यहाँ पर, जो जो बता रहे हो वो बता देना और कौन सा है वो भी बता देना। मैम अपन इसमें से ना एच थ्री में से एच अलग कर सकते हैं? एच थ्री में से एच तेरा मर्जी पड़े जो कर बेटा, तेरा हाइड्रोजन है। तुम तो ये बता दो कि भाई कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और शो करेंगे तो फिर कौन सी वाली कर रहे हैं? मैम ए और डी। ए और डी आ गया आंसर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वालों में ए और डी का नाम आया है। और कोई उम्मीदवार? व्यास जी, आर एस व्यास जी।
कौन कौन उम्मीदवार हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के? एक सेकंड, ऐसे क्या करते हैं? देखो ये कौन है? ऑक्सीम है ना। ऑक्सीम के एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। परंतु इस ऑक्सीम में इस एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दोनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आप देखो ये कुछ इस प्रकार से है ना। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर। बताओ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रही है क्या? है भाई? अरे बोलो ना। नहीं, इसमें देखो, ये देखो, इधर नाइट्रोजन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH3CH2 जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा बना? सिन बना। और अगर ऑपोजिट बना देती तो मैं एंटी बना देती। बोलो बनाती कि नहीं? वो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है क्या? ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, पता कैसे लगे कि सिन और का सिन कौन सा और एंटी कौन सा है ना? तो ये वाला शो नहीं करेगा और ये वाला शो करेगा। अब इसकी बारी, ये भी CH3, ये भी CH3, तो ना तो सिन का पता ना एंटी का पता ही नहीं। और इधर देखो, ये CH3 और ये OH ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये बड़ा वाला CH2 CH3, बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट ना। तो यहाँ सिन और ट्रांस का पता आप लगा सकते हो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर इज थर्ड, A and D, okay? Yes, ma'am. आ गया? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट। Which of the following show geometrical isomerism? आया क्या आंसर? गुड। देखो भाई, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स, है ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है तो ब्यूटीन, वन ब्यूटीन है ना, तो भाई एक वन डाइफिनाइल ब्यूटीन, वन वन डाइफिनाइल वन ब्यूटीन, तो यही फर्स्ट कार्बन, इसको मान लूं मैं? टू ब्यूटीन आएगा
बेटा मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, पहले मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो 1 2 3 4 कार्बन ऐसे मैंने बना दिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मैंने ऐसे जस्टिफाई कर लिया, और इधर जुड़ेगा हाइड्रोजन CH2 ऐसे CH2 है ना, और 1 1 डाइफिनाइल, इधर भी पीएच, अयो ये क्या हो गया, और इधर भी पीएच। बताओ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है इसमें? इन पीएच की वजह से नहीं होगी ना, नहीं है ना, क्योंकि पीएच की वजह से पता ही नहीं लग रहा है कि कौन ट्रांस और कौन सिस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। सेकेंड वाला देख लेते हैं, 1 1 डाइफिनाइल तो है बट 2 2 ब्यूटीन है, तो इसको बना के देखते हैं। तो ब्यूटीन 2 ब्यूटीन है ना, तो सेकेंड कार्बन को ऐसे, ये ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 कार्बन मैंने बना दिए है ना। अब 2 ब्यूटीन ये रहा 1 1 डाइफिनाइल, अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको फर्स्ट कार्बन ले लूं, तो 1 1 डाइफिनाइल, ये लो जी पीएच, इधर भी पीएच और इधर हाइड्रोजन, और ये कौन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अभी बताओ सिस और ट्रांस का पता लग रहा है ना, यस ये जो मैंने मैम, बनाया है सिस बनाया है ट्रांस बनाया है? ये आपने बनाया है ट्रांस। हाँ ट्रांस है ना। और अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिस। वेरी गुड, तो ये वाला शो कर रहा है। अब 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन देख लेते हैं, ये रहा देखो 2 ब्यूटीन तो ये रहा है ना। अब 2 3 डाइमिथाइल है ना, ब्यूटीन ये लो, जो 1 2 3 और ये 4 कार्बन मैंने बना दिए, ब्यूट टू इन हो गया, और 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ये लो, इसमें भी कहाँ पता लग रहा है, CH3 CH3 है ना, सारे कुछ भी पता नहीं लग रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। और 3 फेनिल 1 ब्यूटीन है ना, 3 फेनिल 1 ब्यूटीन में भी देख लो आप, बनाना आना चाहिए बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, आंसर आ गया, बहुत सारों के दिमाग में चल रहा है, अरे आंसर तो आ गया ना मैडम, तो पका रहे। बोलो 1 ब्यूटीन बनाना, 1 2 3 4। अब 1 ब्यूटीन में 3 फिनाइल, अरे 3 फिनाइल लगाऊं कहाँ, आएगा अपने को तो। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, थर्ड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो लो जी पीएच भी जोड़ दिया। अब क्या पता, तो इससे इससे लगना था, पता ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना बना करके पता लगा सकते हैं। चलिए तो आंसर क्या हो गया अपना, सेकंड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली द सेकंड ऑप्शन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1 1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन, क्लियर।